यस, एज वी हैड डिस्कस्ड द प्लांट टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक एज वेल एज द परमानेंट टिश्यू वी डिस्कस्ड. क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? है ना, हमने कल वो डिस्कस किया था. स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इज क्लियर टू एवरीवन? हमने बहुत डिटेल में वी विल नॉट डू बिकॉज इन नाइन्थ क्लास इट्स नॉट इन डिटेल. इन सम ऑफ द बुक्स यू कैन सी कि केम्बियम मतलब इलेबोरेट करा है, बट वी विल डू अ लिटिल बिट जस्ट टू गेट द नॉलेज कि व्हाट इज एक्चुअली अ केम्बियम. क्वेश्चन यहाँ पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी डिस्कस यस्टरडे ऑल्सो कि कैन परमानेंट टिश्यू बिकम अ मेरिस्टेमेटिक. तो यूजली द आंसर इज नो, बट देयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज केम्बियम. आई टोल्ड यू हाउ. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्या कहते हैं स्टेम. ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आफ्टर द प्लांट टिश्यू वी विल स्टार्ट द एनिमल टिश्यू. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू. पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड फ्लो चार्ट शुड बी इन लाइक दिस. कॉपी को साइड पे करके नहीं बनाना. ठीक है, मेक लाइक दिस एनिमल टिश्यू. राइट, एनिमल टिश्यू एज वी हैड मेड द फ्लो चार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू. ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू. अब एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू फोर मेन टाइप्स. एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू फोर मेन टाइप्स. एपिथीलियल टिश्यू, राइट, एपिथीलियल टिश्यू. नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू. नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू, राइट. थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. राइट, एपिथीलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू. फर्दर दे आर हैविंग द सब पार्ट सब टाइप्स. ठीक है, एपिथीलियल टिश्यू इज हैविंग द फाइव सब टाइप्स. इसकी फाइव सब टाइप्स हैं, फाइव टाइप्स हैं इसकी. वी विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लाइक दिस एंड देयर टाइप्स ऑल्सो. फाइव टाइप्स आर देयर. नंबर वन, राइट डाउन स्क्वेमस एपिथीलियम. नंबर वन इज स्क्वेमस epithelium. We can write squamous epithelium. We can write squamous epithelial tissue. Right? मैं दोबारा लिख रही हूं थोड़ा इधर करके. Visible है ना? हाँ. Squamous epithelium. सेकेंड इज लिखो, फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथीलियम, सेकेंड इज क्यूबॉइडल. सेकेंड इज क्यूबॉइडल. ठीक है, हम एपिथीलियल टिश्यू भी कह सकते हैं, एपिथीलियम भी. यस चैतन्या, अनम्यूट योर सेल्फ. क्या कह रहे वो? बोर्ड विजिबल नहीं है. धैर्या, बोर्ड इज नॉट विजिबल. यस मैम. है? यस धैर्या, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम बिल्कुल क्लियर है, वो नेटवर्क इशू है उसका, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. चैतन्या, रीजॉइन अगेन बेटे. यस मैम. एपिथीलियल टिश्यू. ओके मैम.
एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लो, माइट बी सम नेटवर्क इशू इज देयर. एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकेंड इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन इज कोल्यूमनर एपिथेलियम, थर्ड इज कोल्यूमनर एपिथेलियम, फोर्थ वन इज सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, एंड द फिफ्थ वन इज ग्लैंडुलर, जो ग्लैंड्स के साथ होते हैं ना रिलेटेड, जैसे ऑयल ग्लैंड्स एंड ऑल दैट सेबेशियस, उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम. दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर, सिलिएटेड कोल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर, राइट? इज इट क्लियर बेटे? उसी तरह से वी आर हैविंग मस्कुलर टिश्यू, दीज आर हैविंग थ्री टाइप्स. अब ये इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? यू ऑलरेडी रेड इन द जूनियर क्लासेस, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक. सो मस्कुलर टिश्यूज आर हैविंग थ्री टाइप, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, टिश्यू, सेकेंड इज अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज कार्डियक, राइट? थर्ड वन इज कार्डियक, ठीक है? ये एम्प्टी मस्कुलर टिश्यू है क्योंकि स्पेस नहीं बच रही फिर मेरे पास. राइट? Then connective tissue, these are again having five types. इसकी भी five types हैं, right? हमने सभी की types learn करनी है. It is also having five types. कौन कौन सी? Areolar, first one. Areolar, second is adipose tissue, areolar tissue, second is adipose tissue, third is connective tissue. Third is connective tissue. Connective tissue is further of two types, tendons and ligaments. Tendons, ligaments. ठीक है? Then skeletal tissue and fluid tissue. Fourth one is skeletal tissue, right? Skeletal tissue is again of two types, bone and cartilage. It is of two types, bone, cartilage, and the fifth one is fluid tissue. It is again of two types. Blood and lymph. Blood and lymph. Nervous tissue is not having any subtype. So that is like this. Squamous, ye ho gaya epithelial ke, muscular, connective tissue, areolar tissue, adipose tissue,
कनेक्टिव टिश्यू, राइट? कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स, टेंडन एंड लिगामेंट. Skeletal tissue, that is again of two types, bone and cartilage, and fluid tissue, that is again two types, blood and lymph. We will discuss all these points, all these tissues in detail. We have to discuss all these tissues in detail. Make the flow chart, then we will start. Yes, Dharya, unmute yourself. मैम, कनेक्टिव टिश्यू कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. विजिबल नाउ? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. यस मैम. Bone and cartilage, skeletal and fluid, blood and lymph. Nervous tissue is not having any further type, subtype. ठीक है? Net tissue आ रहा है. चलो. Done. You will make the flow chart in your notebook, right? All of you will make this flow chart in your notebook. Yes, Gurpal, unmute yourself. क्या कह रहे हो गुरपाल? I am not able to get it. मैम, इंटरनेट और मैम रेफरेंस बुक पर मैम टेंडन, टेंडन्स और लिगामेंट्स मैम एरियोलर टिश्यू के टाइप्स हैं. टेंडन्स और लिगामेंट्स का क्या बच्चे? एरियोलर टिश्यू के टाइप्स हैं मैम रेफरेंस बुक में. क्या कह रहे हो? नहीं, हमने इसमें करना है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में. वी विल डिस्कस. चलिए, नाउ वी विल डिस्कस दिस वन फर्स्ट. ठीक है, we will start with the epithelial tissue, right? We will start with epithelial. Now what you will do, make a question. अभी आप एक question लिख लोगे, उसी के साथ सारा कुछ नीचे आता जाएगा. We will not write question again. एक ही question अभी लिख लेंगे हम, right? After that, जो भी हम करते जाएंगे, that you will do under that question. Write down the question, describe the structure. Describe the structure, location and function of, describe structure, location, location, function and draw well-labeled diagram of animal tissue. Right? This is your question. आपने इसी के नीचे सारा कुछ अब करते जाना है, जो जो हम करेंगे. आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, टू पेजेस वाली, टू मतलब व्हाट यू विल डू, टू पेजेस टुगेदर लाइक दिस, इस तरह से लेना, राइट? यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, देन लोकेशन, फंक्शन एंड डायग्राम. ठीक है, इस तरह से यू विल मेक, और सभी के साथ साथ बनते जाएंगे, देन इजिली यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, राइट? अब फर्स्ट हम करने लगे हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है जी? एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम बोलते हैं लाइनिंग टिश्यू विद बेसमेंट. दिस इज कॉल्ड लाइनिंग टिश्यू with basement.
मतलब ये किसी बेसमेंट लाइक लाइनिंग टिश्यूज है, दिस विल प्रोवाइड द लाइनिंग. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑल्सो लाइक लाइनिंग टिश्यू. यही उसका एक मेन फंक्शन बन जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, इट विल प्रोवाइड लाइनिंग. ये लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट. अब इसकी स्ट्रक्चर, इधर टाइप हो गया, अब स्ट्रक्चर, देन लोकेशन, देन फंक्शन एंड देन डायग्राम, राइट. इसके सब पार्ट्स कौन से करे थे हमने, स्क्वेमस, एपिथेलियल, स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू, राइट. स्क्वेमस, स्क्वेयर, स्क्वेयर से वर्ड निकलता है स्क्वेयर शेप, स्क्वेमस स्क्वेयर शेप, राइट. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दीज आर स्क्वेयर शेप्ड सेल्स, दीज आर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम इसकी, स्क्वेयर शेप ठीक है, फ्लैटन्ड, फ्लैट होते हैं ये, एंड स्मॉल इन साइज, एंड स्मॉल इन साइज, स्क्वेयर शेप सेल्स फ्लैटन्ड एंड स्मॉल इन साइज. जैसे हम ये एपिथेलियल लाइनिंग बात कर रहे हैं ना, हमारी चीक्स में लाइनिंग होती है, जब हम बर्ड के साथ अगर उतारे और उसको स्लाइड पे रखे तो वहां पे हमें टिश्यूज नजर आते हैं, लाइनिंग, हमारे चीक्स के इनसाइड जो लाइनिंग है. ठीक है, उसी तरह से यू कैन ऑब्जर्व इन स्टमक ऑल्सो, इन स्टमक ऑल्सो, लाइक अगर हम बताएं तो दिस इज द लाइनिंग इज देयर, यहाँ पे इसके लाइनिंग होती है. ठीक है, तो दीज आर द लाइनिंग टिश्यू, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है. लोकेशन हो गया लाइनिंग ऑफ स्टमक, इज इट क्लियर बेटे, लाइनिंग ऑफ स्टमक. ठीक है जी, स्ट्रक्चर हो गई, लोकेशन हो गई, लाइनिंग ऑफ स्टमक, राइट. इन नंबर ऑफ द बुक्स, व्हेन यू आर, व्हेन यू विल रीड डिफरेंट बुक्स विद डिफरेंट ऑथर्स, तो यू विल फाइंड कि अलग अलग एरियाज प्रेजेंट हैं, कहीं पे कुछ और लिखा होगा कि इट इज प्रेजेंट हेयर 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 ऑल्सो. बट बच्चे यू हैव टू लर्न ओनली एंड ओनली वट एवर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, एक्सेप्ट द डायग्राम्स, डायग्राम्स बट वी विल मेक यू हैव टू ड्रॉ दोज डायग्राम्स, राइट. एंड द थिंग्स दैट इज गिवन कि कहाँ कहाँ लोकेशन है, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बट द लोकेशन दैट वी आर डिस्कसिंग यू हैव टू लर्न दैट वन. आप ये नहीं कहोगे कि मैम नेट पे ये था तो आपने क्रॉस कर दिया, सो बेटर टू रिवाइज दीज थिंग्स. ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्ट्रक्चर हो गई, लोकेशन, फंक्शन क्या करेंगे. अब नेचुरली अगर ये स्टमक के अंदर है तो स्टमक के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो उसको लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तो इसका फंक्शन हो गया लाइनिंग, यू कैन राइट लाइनिंग, एक इसका फंक्शन हो गया, राइट. एक इसका फंक्शन लिख लीजिए जो जनरल फंक्शन है, मोस्टली सब में आ जाएगा. ठीक है, जिसका जनरल फंक्शन हो गया दैट इज द लाइनिंग. ठीक है, सेकेंड इसका हो गया हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन डन. नाउ डायग्राम, डायग्राम इधर बना रही हूं, इट्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यू हैव टू मेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज हैविंग अ ब्लड वेसल्स ऑल्सो, बिकॉज डेफिनेटली टिश्यू से सारी ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, विजिबल है. मैं इधर बनाती हूँ, वेट.
basement membrane, blood vessels, blood vessels. हाँ जी जिया जानवी, अनम्यूट योर सेल्फ, बोलो मैम. इसकी लोकेशन बता दो. इन लाइनिंग ऑफ स्टमक. ओके मैम. ठीक है. नेक्स्ट इज लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल्स. ठीक है जी. बेस ऑफ टिश्यू जो है दैट इज हैविंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब नाउ हमने करा था कि ये क्या है, फ्लैटेंड है, स्क्वायर शेप. तो आपने स्क्वायर शेप एंड स्मॉल इन साइज. ठीक है, स्क्वायर शेप having nucleus and cytoplasm, no vacuole is there because now we are talking about animals. Okay, central vacuole that is present in the case of plants. Here we will not draw the vacuole because we are talking about animals, right? These are विजिबल है ना सबको. यस अंशिया. हाँ जी अंशिया, अनम्यूट योर सेल्फ बेटे. एक बार इनका फंक्शन बता दो. सॉरी दोबारा बोलो क्या कह रहे हो. क्या बता दूं मैम? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन. लाइनिंग एंड एब्जॉर्प्शन. लाइनिंग एंड एब्जॉर्प्शन. यस मैम. मैम जो आपने अभी ये जो डायग्राम बनाया है. हाँ जी धैर्य, अनम्यूट करो दोबारा. आई थिंक म्यूट हो गया. हाँ जी मैम. मैम जो ये अभी डायग्राम बनाया हमने इसका एपिथेलियल टिश्यू का, मैम इसमें जो ऊपर स्क्वायर बॉक्सेस बनाया मैम, जो ओपन वाला स्क्वायर जो बॉक्स है मैम, उसमें न्यूक्लियस नहीं आएगा? हाँ बना लो. मैंने बनाया बनाया मैंने. ओके मैम, मुंह क्लियर नहीं था ना तो मुंह लगा. कोई बात नहीं बेटे. ठीक है, अब इनकी लेबलिंग करो. दैट इज नॉट हैविंग द सेल वॉल. प्लांट्स नहीं है, अब एनिमल्स हैं तो सेल वॉल इज नॉट देयर. सो व्हाट इज देयर? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन है ना, एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है बच्चे, साइटोप्लाज्म. अब यही जब स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्स बना देते हैं, मतलब ऊपर 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 ज्वाइन हो जाते हैं, मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, मल्टी लेयर्ड होने पे इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. यहाँ पे मैं बना के बता देती हूँ. लाइक दिस, अगर हम बात कर रहे हैं तो सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे. ठीक है, ब्लड वेसल्स आर देयर. ठीक है, जब ये मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं, व्हेन दीज आर मल्टी लेयर्ड, तो ये क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन स्किन. इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम.
यहाँ पे आप लिख लो कि when they piled, multi-layered, जब पाइल एक ढेर बना देते हैं, then these tissue is called stratified epithelium, example skin, ठीक है बच्चे, वहां पे आप इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड चीक सेल लिख सकते हो, स्क्वैमस एपिथेलियम, दिस इज प्रेजेंट इन स्किन. यस, अनम्यूट योर सेल्फ धैर्या. मैम ये ड्रॉ कर ले डायग्राम. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम. वो कर लेना, मैंने लेबलिंग नहीं करी बिकॉज नाउ यू नो. ठीक है, सेम लेबलिंग, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. This is the squamous epithelium tissue. This is squamous epithelium tissue. ठीक है. Now we will discuss. जल्दी से करो, फिर second करते हैं. Cuboidal. ठीक है, स्ट्रक्चर आपने इसके नेम से लर्न कर लेनी है. यस तन्वीन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. मैम जो ये स्ट्रेटिफाइड जो है, इसके लोकेशन और फंक्शन क्या है? लोकेशन इज स्किन ना बेटा, और फंक्शन मैंने आपको वही बताया ना, दो फंक्शन तो लाइनिंग है एज वेल एज एब्जॉर्प्शन है ना. फंक्शन तो हो ही गया कि इट विल प्रोवाइड लाइनिंग एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन. ये तो मैं आपको सिर्फ साथ में बता दी कि जिनके पाइल्ड अप तो ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इसका नेम होता है स्ट्रेटिफाइड. ओके बच्चे, नेक्स्ट वी विल राइट क्वेश्चन. सबका एक ही रहेगा, उसी के नीचे वी विल डू. ठीक है, एंड बेटर टू डू इट ऑन द टू पेजेस साइमल्टेनियसली, सो दैट इजी हो जाता है स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड डायग्राम समझना. सेकेंड यू विल राइट क्यूबॉइडल, सेकेंड यू विल राइट